हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी अफ्सा फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। तो क्या वो बचपन की मूवियाँ याद हैं जिनको देखकर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे? शायद बहुत छोटे ही थे, और सबसे ज़्यादा सिंड्रेला की एक्साइट करने वाला सीन वही था कि जब फेरी गॉड मदर सिंड्रेला का एक चुटकी बजाकर ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है, और जो उसका मेकओवर होता है वो एक मेड से जो है वो प्रिंसेस की लुक में आ जाती हैं और तैयार हो जाती हैं। शायद पूरी स्टोरी में सारी की सारी गर्ल्स को सबसे ज़्यादा एक्साइट उसी पार्ट ने किया होता है जब वो तैयार हो जाती है। मेकओवर्स हमारी लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट है, ये हम सब जानते हैं। चाहे डेविल्स वेयर प्राडा की एंडी हो, जिसने ये हमें बताया कि विद द राइट हेल्प, विद द राइट शूज़, अ ड्रेस और सम एक्सेसरीज से आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्टअप हो जाता है। चाहे मिस कंजीनियलिटी की ग्रेसी हार्ट हो, जो कि एक टॉम बॉय से एक सडनली एक प्रिंसेस से बन जाती है, बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ हों जहाँ सुष्मिता सेन मेकओवर्स देती रहती हैं और उनको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। चाहे हमारे सामने के ड्रामास के ट्रांसफॉर्मेशन हों, लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जितना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शायद हमारे लिए उतना ही ज़्यादा इम्पॉसिबल सा भी हो जाता है समटाइम्स। हम अपने पजामास में बैठे हुए मोबाइल पे स्क्रोलिंग करते हुए ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन देख के एक्साइटेड तो बहुत होते हैं, और शायद चाहते भी हैं कि सेम ट्रांसफॉर्मेशन, सेम मेकओवर्स हमारी लाइफ में भी हो जाएं, लेकिन वो चीज़ हम कर नहीं पाते। इन सारी मूवीज से हमारे माइंड में कहीं ना कहीं एक बात ये आ जाती है कि ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए शायद हमें किसी एक शख्स की ज़रूरत है जो हमारी लाइफ के अंदर आएगा, चुटकी बजाएगा और हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। वो हमें वार्डरोब में से कपड़े भी निकाल के देगा, वो हमें बताएगा कि हमने कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से शूज़ पहनने हैं, कौन सी ज्वेलरी पहननी है, कैसा मेकअप करना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है। ये सारी चीज़ें हमें कोई थर्ड पर्सन बताएगा। ज़रा मैं आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं होने वाला। हमारी लाइफ मूवीज से बिल्कुल हटकर होती है। जो मूवीज में दिखाते हैं वो हमारी लाइफ में बिल्कुल नहीं होता। रियल लाइफ में कोई फेरी गॉड मदर नहीं आती, रियल लाइफ में कोई सुष्मिता सेन नहीं आती, रियल लाइफ में किसी की लाइफ में कोई नहीं आता। जो करना होता है आपने खुद करना होता है, अपने बलबूते पर करना होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? तो चलिए, आज के वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ कुछ अपनी फिजिकल और मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की टिप्स। अब मूवीज़ की बातें तो बहुत हो गई, अब रियल लाइफ में ऐसा क्या किया जाए कि वो सारी चीज़ें हम बगैर किसी फेरी गॉड मदर के अचीव कर लें। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने घबराना नहीं है, और उसके साथ साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपको मेंटली स्ट्रांग करती हैं। और इसके साथ साथ आप अपने फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान दें, तो ये एक ऐसा पैकेज बनता है जिससे आप जो है वो अपना मेकओवर खुद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि हमें मेंटली स्ट्रांग करती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप मेंटली स्ट्रांग हो। फिजिकली अपीयरेंस चेंज करना शायद बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपने सिर्फ अपना आउटफिट चेंज करना है, अपना हेयर स्टाइल चेंज करना है, कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है, वो अचीवेबल हो जाता है। लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग होना है ना, वो शायद थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहले उसको अचीव करना है, सबसे पहले उस पर ध्यान देना है। वो अगर हो गया ना हमसे, अगर वो काम हमने कर लिया, तो उसके बाद के बाकी सारे काम जो है ना, वो पीस ऑफ केक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना, जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है, वो है आपका कॉन्फिडेंस, जो कि आपके अंदर ही मौजूद होता है। जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि उनके अंदर, उनकी बात में वजन नहीं है, उनके पर्सनालिटी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सामने वाले से बात करने में झिझक जाते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि जो मुझे पता है वो मैं वॉइस नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने थॉट्स को, अपनी बात को रख नहीं पाऊँगा, उनके अंदर एतमाद की कमी होती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और ये कॉन्फिडेंस कोई पानी पिला के आपके अंदर नहीं डालेगा, कोई चाचा मामा नहीं आएगा आपको देने, या आपके कोई दोस्त आपके साथ, बेशक आपकी दोस्त आपको बहुत हेल्प कर रही हो, लेकिन ये आपको अपने अंदर से खुद ही पैदा करना है, और ये अल्लाह ताला ने सबके अंदर रखा है। आपको अपने अंदर इतना भरोसा होना चाहिए, इतना एतमाद होना चाहिए कि आप अपनी पर्सनालिटी को इस काबिल बना सकें कि सामने वाला आपकी बात को सीरियसली ले। आप इस बात पे डरे नहीं,
आप अपने थॉट्स को वॉइस करने में डरे नहीं। आपको सामने वाला कहे कि भाई ये कलर मुझे तुम पे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, आई लाइक इट, मैं तो इसी में सही हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझ पे अच्छा लग रहा है ये कलर। हर दफ़ा दूसरों की बात सुनना जो है वो गलत नहीं होता, लेकिन हर दफ़ा दूसरों की बात सुनना गलत भी होता है। ये ऐसा ही है कि बैलेंस होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी की बात ही नहीं सुनोगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप दूसरों की ही बात सुनते रहेंगे, अपनी पर्सनालिटी ख़त्म कर लेंगे। आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि आपने क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बात करनी है, किस चीज़ पर क्या ओपिनियन रखना है। और ये सारी चीज़ें जब आपको पता होती है ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद होता है। बस सिर्फ आपको उसको प्रेजेंट करना होता है, बस सिर्फ आपको सामने वाले को इस बात का एहसास दिलाना होता है कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर से ही आता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मेंटली स्ट्रांग करने के लिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ प्रोडक्टिविटी। अपने अंदर थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी लेकर आएँ, अपनी लाइफ के कुछ गोल्स सेट करें, अपने पास कोई ऐसे काम अपने दिमाग में सोचें कि मैंने आज ये करने ही करना है, मैंने ये हफ्ता ये वाली चीज़ करनी ही करनी है, मैंने ये इस महीने ये करना ही करना है, और उन गोल्स को अचीव भी करें। प्रोडक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी आपको हेल्प करती है फोकस करने में। जब आप फोकस होते हैं ना, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से ना चली जाती हैं। आपका फोकस होता है, साइड वाली चीज़ों पे आपका ध्यान ही नहीं होता। कौन क्या कह रहा है, पड़ोसी क्या कह रहा है, रिश्तेदार आंटी क्या कह रही हैं, पप्पू क्या कह रही हैं, कौन क्या कह रहा है, आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका फोकस सेट है, आप अपने काम पे ध्यान दें, आप अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी लाएँ, बाकी लोगों को बोलने से जो बोल रहे हैं। तीसरी चीज़ ऑप्टिमिज्म है, पॉजिटिविटी है। अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएँ। जितने ज़्यादा पॉजिटिव आप होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ में पीस आएगा, उतनी ही आपकी लाइफ सुकून से गुजरेगी, उतनी ही आपकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स आपको अननेसेसरी प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ चीज़ें इतनी अननेसेसरी होती हैं जिस पर हम ध्यान दे रहे होते हैं, उस पर हमें सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम ध्यान दे रहे होते हैं, वो चीज़ें आपके दिमाग से निकल के चली जाएंगी कहीं और। पॉजिटिव रहें, अपने आस पास पॉजिटिविटी फैलाएँ, उससे दूसरों को भी मदद होती है। नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीज़ें, इवन आपके सामने कोई नेगेटिव बात भी कर रहा है ना, तो आप एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, ध्यान ही नहीं दें किसी की बात पर। इसके साथ साथ आपको फेयर टैकलर होना है, आपको जो है ना मजबूत होना है, आपको स्ट्रांग होना है, आपको डर खौफ नहीं होना चाहिए। डर अगर किसी चीज़ का आए भी, तो उसको टैकल करने के लिए आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग हो कि आपको पता हो कि अगर कोई मसला आ भी जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि सारे मसले जॉब्स में आते हैं, बिजनेस में आते हैं, काम में आते हैं, घर में भी बहुत सारे मसले होते हैं। हम जो हाउसवाइफ्स हैं, हमारे पास घर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, क्या उनके प्रॉब्लम के होते हैं, हम घबरा से जाते हैं, क्या हमारे बच्चे को कोई चोट लगती है तो हम एकदम पैनिक में चले जाते हैं कि ये क्या हो गया, या हम उस वक्त पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हम ही उस वक्त हुए हुए होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने ही इन सबको लेके चलना है, हमने ही बताना है कि भाई क्या करना है, बच्चे को उठाना है, चुप कराना है, ये सारे काम हमने ही करने होते हैं। तो फेयर टैकलिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट मेक्स यू मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग। इसके साथ साथ आखिरी बात वो ये है कि आपने इस बात पर स्टैंड लेना है जिस बात पर आप यकीन रखते हैं, जो आपको बात सच लगती है, जो आपको बात आपके जो बिलीव्स हैं ना, उनको कोई भी जो है ना शेक ना कर सके। आपको पता है कि ये चीज़ सही है, सामने वाला गलत कह रहा है, आप उसके लिए स्टैंड लेंगे, कोई और नहीं लेगा आपके लिए स्टैंड, आपको खुद ही स्टैंड लेना है। अपने लिए स्टैंड लेंगे आज, आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेंगे, तो कल शायद उनमें भी ये कल शायद वो आपसे ये बात सीखें कि हाँ, हमारी अम्मा स्ट्रांग थी तो शायद हमें भी स्ट्रांग बनना है। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, गो वट यू बिलीव इन, डू वट यू बिलीव इन। जो चीज़ें आपको सही लग रही हैं आप वो करें, नहीं भी कर सकते हैं तो एटलीस्ट अपने थॉट्स को वॉइस तो करें, सबको बताएं तो कि भाई मेरा जो है वो इस बारे में ये राय है, बाकी आप लोग अपना देख लें, लेकिन मेरी राय ये है। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो अपनी बात को बोल सकें, अपने बात को रख सकें, सामने वालों को, अपने घर वालों को, अपने स्पाउस को ये बात बता सकें कि वो किस बारे में क्या राय रखती हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यही सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग है, यही सारी चीज़ें आपकी आपको मेंटली स्ट्रांग करती हैं। मेंटली जब आप स्ट्रांग हो जाएंगे ना, मेंटली आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, तो उसके बाद फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान दें, और उसके बाद आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ट्रस्ट मी ऑन दैट। और ये थी हमारी सारी मेंटली कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमें
स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, जो कि हमारी पर्सनालिटी को वाजे करती हैं। अब आ जाते हैं फिजिकल अपीयरेंस पे। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम अचीव करें तो हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस को टोटली चेंज कर सकते हैं, अपना मेकओवर कर सकते हैं। कि पर्सनालिटी जो है ना वो एक जैसी लगने लगती है। अगर आप कुछ टाइम गुजरता है और आप चले आ रहे होते हैं, वही कपड़े पहनते हैं, वही उसी तरह के बाल बनाते हैं और आपकी पर्सनैलिटी चली आ रही होती है, तो आप जो है वो अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल चेंज फील नहीं कराते। जब आप अपनी पर्सनालिटी मिरर में देख के सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते, तो कोई और आपसे देखकर आपको कैसे इम्प्रेस होगा? दूसरों को इम्प्रेस तो बहुत दूर की बातें करना, हम अपनी पर्सनालिटी से खुद ही इम्प्रेस नहीं हो पा रहे होते, क्योंकि हमें कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं नज़र आ रहा होता। हम वही कपड़े पहने हुए होते हैं, उसी तरह के हमारे बाल बने हुए होते हैं, वही हमारा सदियों से चला आ रहा हेयर स्टाइल होता है, हम उसी पर फोकस किए हुए होते हैं, हम दूसरी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते। मेकओवर्स करना, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। चलें, हम ये सारी बातें हो गई, अब हम थोड़ा सा चलते हैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस की तरफ। क्या हम क्या करें ऐसा जिससे हमारी फिजिकल अपीयरेंस जो है ना वो चेंज हो सकती है? मेकओवर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हेयर स्टाइल। सबसे पहले आपने अपना हेयर स्टाइल चेंज करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना हेयर कट ही लें। अगर आपको हेयर कट नहीं लेना फॉर सम रीजंस, आप ट्रिम कराएं अपने हेयर्स और अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लें। जस्ट चेंज योर हेयर स्टाइल और आप खुद देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा वाजे फ़र्क फील होना शुरू हो जाता है। और जो गर्ल्स हिजाबी हैं वो अपना हिजाब चेंज करें, अपने हिजाब के कलर्स चेंज करें, एक्सपेरिमेंट विद योर हिजाब स्टाइल्स। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारा यूट्यूब पर कॉन्टेंट ऐसा है जो कि इवन के आपको ये तक बताता है कि अगर आपका राउंड फेस है तो आपके ऊपर कैसा स्कार्फ अच्छा लगेगा, आपका ओवल फेस है तो आप किस तरह की स्टाइलिंग कर सकते हैं, आपका अगर स्क्वायर शेप फेस है तो आप उस पर कैसी स्टाइलिंग कर सकते हैं। यूट्यूब पे सब कुछ मौजूद है। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ी सी चीज़ें करें, तो आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको इंटरनेट पे मिल जाता है। तो हिजाब वाली जो गर्ल्स हैं, जो हिजाब लेती हैं, वो अपने हिजाब के स्टाइल्स चेंज करके अपनी जो है ओवरऑल लुक को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आती है स्किन केयर। और जब मैं स्किन केयर कह रही हूँ ना, तो मैं कह रही हूँ स्किन केयर, स्किन केयर, स्किन केयर। मैं हज़ार दफ़ा भी ये बात कह सकती हूँ, क्योंकि स्किन केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी स्किन आपसे जो है वो केयर की नीड करती है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन को किस चीज़ की ज़रूरत है। आप प्रॉपर मॉइस्चराइज़ करें, आप प्रॉपर क्लेंजिंग करें, आप वह हफ्ते में एक दफ़ा, 15 दिन में एक दफ़ा, पार्लर नहीं जा सकते, सैलून नहीं जा सकते हैं, तो आप घर पर स्क्रब कर लें, आप घर पर एक मास्क लगा लें। आपके अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें नहीं आता या हमें नहीं पता। हमारे पोर्स क्लीन होने चाहिए, हमें प्रॉपर क्लेंजिंग करनी चाहिए। हमारे पास जो है वो 10,000 होममेड टिप्स हैं, और ये सारी चीज़ें करके हम अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। ऑन थर्ड वी हैव मेकअप। अगर जब मैं सिर्फ मेकअप कह रही हूँ ना, तो मैं ये नहीं कह रही कि बस मेकअप करें। राइट मेकअप इज़ द की। जो की पॉइंट है ना वो ये है कि राइट मेकअप करना और अप योर मेकअप गेम। आपको मेकअप का गेम जो है ना, आपको पता है कि मेकअप का गेम कितना ऊपर जा रहा है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं मेकअप के अंदर, क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही, क्या क्या प्रोडक्ट्स ईजाद हो गए। आधे से ज़्यादा चीज़ें के नाम तो मुझे भी नहीं पता, फ्रेंकली स्पीकिंग, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे भी पता है, थोड़ी बहुत मैं नॉलेज लेती रहती हूँ, तो उसके हिसाब से चीज़ें चेंज करती रहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट ही आपने अपनी स्किन पे लगाना है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आप वो करें, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर डे मेकअप है तो वो क्या है, नाइट मेकअप है तो वो क्या है, किस इवेंट में आप जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आपका मेकअप होना चाहिए। दिन के वक्त अगर आप डार्क आई शेडोज लगा के या डार्क किस्म का लिपस्टिक का शेड लगा के बाहर चले जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आपको पता होना चाहिए कि दिन के मेकअप में इट्स ओके कि आप हल्का सा कोई बीबी क्रीम लगा लें या फिर अपना ब्लश लगाएं, सनकिस ब्लश लगाएं, उसके साथ आप हल्की सी लाइट न्यूड कलर की कोई लिपस्टिक लगाएं और बस मस्कारा के साथ सेट करें, दैट्स इट। दिन में यही सारी 3-4 चीज़ें करें, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। रात में अगर आप जा रहे हैं तो आप लाइनर ऐड कर लें और चीज़ें ऐड कर लें, ओकेजन वाइज मेकअप करें, मेकअप की नॉलेज लें, और उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज देखेंगे। जब आप मेकअप अपना अकॉर्डिंग टू आपका ड्रेस होगा ना, तो वो मैचिंग जब होगी तो खुद ही आपकी पर्सनैलिटी आपका मेकओवर हो जाएगा। किसी भी हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी, हम खुद अपने लिए काफ़ी होंगे इंशाल्लाह। और आखिर में आती है हमारी वार्डरोब। तो वार्डरोब के लिए क्या करना है, अपडेट योर वार्डरोब। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी जो वार्डरोब को अप टू डेट रखें। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि 10 कपड़े एक साथ बना लें। अब जब 10 कपड़े बना लेंगे तो उन 10 कपड़ों को पहनना भी पड़ता है, पैसों से आते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप कपड़े बना लेंगे और उसके बाद कहेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया, मैं तो नहीं पहन रही। तो दो तीन ड्रेसेस, एक ड्रेसेस ऐसे बनाएं
ट्रेंडिंग ड्रेसेस बनाए, उनको पहने, कुछ महीना पहने, 1-2 महीने, 6 महीने, 7 महीने, फिर उसको किसी और को देके कुछ और ड्रेसेस बनाएं। इस तरीके से आपकी वार्डरोब चेंज होती रहेगी, आपके ड्रेसेस किसी और को मिलते रहेंगे और आपको फ़ायदा भी पहुंचेगा। आपको फ़ायदा पहुंचेगा अगर मेरी नसीहत पर अमल करेंगे तो शायद थोड़ा बहुत फ़ायदा मुझे भी पहुंच जाए। तो अपडेट योर वार्डरोब इज़ माई लास्ट एडवाइस टू यू गाइज। अगर आपने ये कर लिया, अपनी वार्डरोब को अपडेट कर ली, अपने मेकअप को ठीक कर लिया, अपना हेयर स्टाइल ठीक कर लिया, तो आपकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। फिर आप चादर के अंदर बैठकर स्क्रॉलिंग करते वक्त दूसरों को देखते हुए अफसोस नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, हर कोई कर सकता है। लेकिन हर चीज़ में मेहनत चाहिए होती है, हर चीज़ में एफर्ट चाहिए होती है, हर चीज़ में काम करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, चीज़ों के बारे में नॉलेज लेनी पड़ती है, अप्लाई करके देखना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। 1000 एक्सपेरिमेंट्स मैं करती हूँ अपने ऊपर, समटाइम्स इतने बुरे फेलियर्स होते हैं कि मैं अपने आप को मिरर में देख के कह रही होती हूँ कि शायद कोई भूत चुड़ा ले गया, लेकिन उन सारे एक्सपेरिमेंट्स से मैं सीखती हूँ। मैं उसके बाद सोचती हूँ कि हाँ ये चीज़ मुझ पर अच्छी लगी है, ये चीज़ मुझ पर अच्छी नहीं लगी है। तो एक्सपेरिमेंटिंग इज़ द की, और इसके लिए भी मेहनत चाहिए, इसके लिए भी नॉलेज चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगी तो आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी एक पैकेज, और उसके बाद आपको कोई कुछ नहीं कह पाएगा। जब आप खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंट लेकर तैयार होकर खड़े होंगे, सब आपकी तारीफ करेंगे। आई होप मेरी ये सारी एफर्ट में कुछ थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत भी अगर आपके दिमाग में घुसा है, कुछ बातों से आपको फ़ायदा पहुंचा है, कुछ बातें आपने अडॉप्ट करी हैं, समझी हैं, सुनी हैं, और आपको लगता है कि आप इस पे अमल करने वाले हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी सारी बातों का कुछ फ़ायदा हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम गोना मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मे हफ्सा हसन साइनिंग आउट। बाय बाय।